एवरीवन, मैं नाउ फॉर बीकॉम स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट यूनिट सेकंड, सेल्स स्ट्रेटजी, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लानिंग, द प्लानिंग प्रोसेस, एस्टेब्लिशिंग मार्केटिंग प्लान्स एंड द प्लेस ऑफ सेलिंग इन द मार्केटिंग। ये सारे इसके टॉपिक्स हैं यूनिट सेकेंड के, जो हम अपने वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे धीरे धीरे। और हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। मैं आपको डेली नया कंटेंट अवेलेबल करवाती हूँ, डेली अलग सब्जेक्ट होता है हमारा, डेली नए नए कंटेंट्स हम कवर करते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेल्स प्लानिंग क्या होती है एंड मार्केटिंग प्लानिंग, दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं। सेल्स प्लानिंग अलग टॉपिक है, सेल्स और मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो अलग टॉपिक है। तो हम आज की वीडियो के अंदर सेल्स प्लानिंग कवर करेंगे, इसकी प्रोसेस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स प्लानिंग होता क्या है वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने पूछा स्ट्रेटजीज क्या होती है। स्ट्रेटजी हमारा जो पहला टॉपिक था सेलिंग स्ट्रेटजी, व्हाट इज अ सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। योर सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज योर प्लान्स फॉर रिकॉर्डिंग, एनहेंसिंग एंड कवरिंग टारगेट प्रोस्पेक्टिव इन टू प्रॉफिटेबिलिटी कंज्यूमर्स। हमारा मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटजीज के अंदर किस लिए बनाते हैं हम, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए। हमारा जो टारगेट है, जो हमने टारगेट ये है कि हमारा टारगेट जो अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। इट्स द चैप्टर्स दैट गिव्स मार्केटिंग, ये जो चैप्टर है ये बताता है मार्केटिंग एंड सेल्स इन डेली एक्टिविटीज़ के अंदर हम मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे करते हैं, हेल्पिंग देम जो हमें हेल्प करते हैं, क्लेरिफाई शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड हाउ टू अचीव देम, हम उसको कैसे उनको ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा मीनिंग ऑफ सेल्स प्लानिंग एंड इट्स प्रोसेस। सेल्स प्लानिंग क्या होती है और उसकी प्रोसेस क्या होती है, सेल्स प्लानिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसेस के अंदर सेल्स प्लानिंग क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सेल्स प्लानिंग सेट सेल्स टारगेट एंड डिफाइन द स्टेट्स अ कंपनी टेक्स टू सच दोज टारगेट्स एंड मीट एंड गोल्स सेट बाय द प्लान्स। देखो, मैंने जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको करवाया था कि सेल्स क्या होती है। सेल्स क्या होती है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट थ्रू मनी, हम मनी दे के बाइंग एंड सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की। अब सेल्स प्लानिंग क्या होगी, प्लानिंग हम इसलिए करेंगे कि हमारा जो टारगेट है उसको डिफाइन करेगी वो चीज़, कंपनी का क्या टारगेट है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम सेल्स प्लानिंग करते हैं। सेल्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग सेल्स टारगेट एंड क्रिएटिंग ए स्ट्रेटजी दैट मीट्स गोल्स एंड अचीविंग सेल्स एंड मार्केटिंग रिजल्ट्स। द सेल्स प्लान वर्क इन द कोलैबोरेशंस विद द मार्केटिंग प्लान्स एंड बिजनेस प्लान्स। जो सेल्स प्लानिंग प्रोसेस है वो टारगेट को अचीव करने के लिए और स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो प्लानिंग करती है टारगेट के लिए, वो वर्क करती है, कोलैबोरेट करती है बिजनेस प्लान्स के अंदर। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, स्टार्ट द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अदर फंक्शंस से पहले स्टार्ट की जाती है प्लानिंग, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। जैसे कि कोई भी हमारे घर में कोई भी इवेंट होता है, कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, किसी की बर्थडे होती है, कुछ भी होता है, तो हम सबसे पहले हमारे पहली चीज़ क्या होती है, प्लानिंग। उस चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम उन सब चीज़ों को करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, उस चीज़ की प्लानिंग की जाएगी। उसके बाद इन सेल्स प्लानिंग ओवरऑल रिलेटेड बाय सेल्स इज कॉल्ड सेल्स प्लानिंग। जो भी रिलेटेड सेल्स से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं सेल्स प्लानिंग ओवरऑल। और डेफिनेशन ऑफ सेल्स प्लानिंग, सेल्स प्लानिंग की क्या डेफिनेशन होगी। अकॉर्डिंग टू AMA, सेल्स प्लानिंग इज द वर्क ऑफ सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव फॉर सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग एंड शेड्यूलिंग द स्टेप्स नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। AMA ने बताया है कि जो सेल्स प्लानिंग है वर्क करेंगी सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए, एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज, जो ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, और शेड्यूलिंग सेट नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, और उन ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए अपना शेड्यूल बनाते हैं। AMA चैनल का नाम नहीं है, चैनल का नाम तो AMA ही है, बट AMA मतलब ये मैंने नहीं बताई है, ये डेफिनेशन अलग किसी ने दी है अकॉर्डिंग टू AMA। ये नहीं कि चैनल के नाम से मैंने डेफिनेशन बनाई है, नहीं, चैनल के नाम से डेफिनेशन नहीं है ये। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्लानिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सेल्स प्लानिंग की। इंटेक्चुअली एक्टिविटीज, दिस इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ सेल्स प्लानिंग। इन एनी सेल्स प्लानिंग ऑल थिंग्स रिगार्डिंग सेल्स आर डिसाइडेड। इन एनी सेल्स प्लानिंग इट इज़ डिसाइड व्हाट वर हाउ हुम सेल्स आर डन। हम कैसे, कहाँ, किस टाइम पे कौन करेगा उस
सेल्स को डन कहाँ की जाएगी उस चीज़ को देखना, उस चीज़ की प्लानिंग करना, इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके मतलब प्राइमरी फंक्शंस क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग करना। प्लानिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है कि हम एक चीज़ की प्लानिंग करें। मुझे एक बात मतलब है ना खटक रही थी, मुझे कई दिन से मैं सोच रही थी, जैसे हम मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो हमारी नई जनरेशन ही देखती है, क्योंकि ये बीकॉम के बच्चों के लिए होते हैं, तो ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे ही वो वीडियोस को देखते हैं। तो मुझे एक बात आप लोगों से पूछनी है, आप लोगों से शेयर करनी है, जो मेरे भाई बहन हैं उन लोगों से शेयर करनी है कि देखो, आप लोगों ने हमेशा एक बात सुनी होगी, जो लड़कियाँ हैं, जो लड़कियाँ मेरे चैनल पर देखती हैं मेरी वीडियोज़, उन्होंने एक बात हमेशा सुनी होगी। देखो, पहले लड़की पैदा होती है तो उसको बोलते हैं कि वो बेटी का रूप निभाती है, फिर शादी होके उसके वो एक पत्नी का रूप निभाती है, फिर वो जब माँ बन जाती है तो वो माँ का रूप निभाती है, फिर वो दादी का रूप निभाती है। अब बेटियों के बारे में सब चीज़ बोले जाते हैं कि बेटियाँ ऐसी होती हैं, वो पहले माँ होती है, मतलब इतने सारे रूप निभाती है, माँ, बहन, बेटी, पत्नी और फिर दादी भी बनती है, तो हर एक चीज़ का रूप निभाती है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सेम चीज़ बेटा भी तो करता है। एज इट इज़ बेटा पैदा होता है तो वो बेटा होता है, उसके बाद वो किसी का पति बनता है, किसी का बेटा होता है, वो फिर बाप भी बनता है किसी का, और फिर वो दादा भी बनता है। तो एज इट इज़ सेम चीज़ें हैं। अब वो लड़की के साथ वो सेम चीज़ें वो भी तो कर रहा है, बट फर्क इतना होता है कि लड़की अपना घर छोड़ के जाती है किसी दूसरे के घर में, लड़का अपने ही घर में रहता है, इतना ही फ़र्क है लड़का और लड़की के अंदर। बट एट दैट टाइम अभी हर एक मतलब मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे जो नई जनरेशन है उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और जो अभी जो नई जनरेशन आएगी, जो पेरेंट्स बनेगी, वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा नहीं होता है कि अभी उनको ऐसा फील होता था कि हम किसी अलग घर में रहते हैं, वो सब सेम ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि सब एजुकेटेड होते हैं, सबको समझ होती है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, पहले जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब हम ये मानते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, तो दोनों ही सेम है, ये नहीं कि लड़का अलग है या लड़की अलग है, दे बोथ आर सेम, तो उनको सेम ही ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि लड़की बिचारी है, नहीं, लड़की बिचारी नहीं है, वो भी सेम है, लड़का भी सेम है, लड़का भी सेम चीज़ें फेस करता है, लड़की भी सेम चीज़ें फेस करती है, तो ऐसा नहीं है। लड़का भी किसी का जाके दामाद बनता है, अगर वो किसी की जाके बहू बनती है तो वो भी किसी का दामाद बनता है, तो वो अलग अलग चीज़ें हमें नहीं माननी चाहिए। अगर हम लड़का लड़की सेम मानते हैं तो वो तो दोनों ही चीज़ें सेम है। ये मैंने टॉपिक से कुछ हटकर बातें की हैं, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों था कि मुझे आप लोगों से चीज़ें शेयर करने का मन कर रहा था, क्योंकि मैं आप लोगों को ये मानती हूँ कि भाई आप मेरे भाई बहन हैं, हम साथ में स्टडीज़ करते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो कुछ चीज़ें जो मेरे मन में आती है तो आप मुझे बताना कि हमें यही चीज़ माननी चाहिए कि हम एक समान है, तो हमें एक समान ही हर चीज़ को मानना चाहिए, नहीं कि लड़का अलग है या लड़की अलग है। चलो अब हम अपनी पॉइंट्स पे आते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेट अमंग द वेरियस अवेलेबल अल्टरनेट्स व्हेन, मतलब हमें जो भी अवेलेबल हमारे पास अल्टरनेट्स हैं उनके अंदर से हम सिलेक्ट बेस्ट जो अल्टरनेट है उनको सिलेक्ट करें। व्हेन वी मेक प्लान्स रिगार्डिंग सेल्स देन वी मीट मैनी स्ट्रेटेजीज एंड ऑप्शन सो दैट दीज मैनी स्ट्रेटेजीज और ऑप्शन वी सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेट। जो हम प्लानिंग करते हैं उसके अंदर हमें बहुत सी जो स्ट्रेटेजीज हम ऑप्शन वो दिखाए जाते हैं, उसके अंदर से हमें कोई बेस्ट अल्टरनेट सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद इट प्रमोट्स और डिसाइडिंग ऑल एक्टिविटीज रिगार्डिंग सेल्स, वो प्रमोट करती है सेलिंग, क्या करती है, हर एक जो एक्टिविटीज सेल्स रिगार्डिंग होती है उन सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है। इन दिस इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव, सेल्स पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम, फोरकास्टिंग, बजट, शेड्यूल्स, इन दिस ऑल एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स आर डन, हर एक एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स इसके अंदर डन किए जाते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंट मार्जिनल फंक्शन सेल्स प्लानिंग, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मार्जिनल फंक्शंस, इट मीन्स दैट सेल्स प्लानिंग मैनेजिंग फंक्शंस आल्सो परफॉर्म्स इन दीज, इट गिव्स डायरेक्शन टू वेरियस सेलिंग एक्टिविटीज़। इम्पोर्टेंट मार्जिनल फंक्शन है, ये डायरेक्शन देता है, जो भी हमारी सेलिंग की एक्टिविटीज़ होती है उनको डायरेक्ट करता है कि हमें किस तरीके से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। इसके बाद है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग चलती रहती है हमेशा, जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चलेगा, बिजनेस चलेगा, तब तक हमारी जो प्लानिंग है वो चलती रहेंगी। सेल्स प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वी नो दैट द प्लानिंग इज डन कंटिन्यूसली, वी कैन वर्क अ प्लेस वी वर्क अ प्लान टू टाइम टू टाइम, हमें टाइम टू टाइम प्लान्स बनाने पड़ेंगे। प्लानिंग इज द
ऑफ डिटरमाइनिंग इन नेचर प्लानिंग डन इन द कंटिन्यूस मैनर के अंदर हम प्लानिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेल्स टारगेट, जो हमारी सिचुएशन है, हमारा टारगेट है, हमारी सेल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग बना करती रहनी पड़ेगी। इसके बाद है सेल्स प्लानिंग के अंदर लास्ट टॉपिक प्रोसेस ऑफ सेल्स प्लानिंग। प्रोसेस क्या है सेल्स प्लानिंग की? सेटिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे हमारे सेल का क्या ऑब्जेक्टिव, हमें कितना कितनी सेल करनी है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितनी सेल चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इन द सेल्स प्लानिंग इज सेटिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंड एंड हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, एंड वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आर एंड पॉइंट्स टू एक्टिविटीज फॉर सेल्स प्लान, सो देर इज अ शुड बी नो एम्बिग्यूटीज इन द डेफिनेशन सेल ऑब्जेक्टिव। मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्लियरली वो सिंपल होना चाहिए, हम क्लियरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है स्टडी ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। हम जो मार्केटिंग के अंदर जो मार्केट का हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम स्टडी करें। वेन फॉर्मुलेशन सेल्स प्लानिंग, हम जब फॉर्मुलेट करते हैं सेल्स की प्लानिंग करते हैं, इन्वायरमेंट सीनिंग इज डन इन द अंडरस्टैंडिंग चेंज इन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। द मेन कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज द सोशल कल्चर डेमोग्राफिक पॉलिटिकल ज्योग्राफिक, मतलब जो कल्चर के अंदर चल रहा है डेमोग्राफिक है, मतलब हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसा कल्चर है। जैसे हमारे जो इंडिया है उसके अंदर हर एक राज्य में उसका अलग अलग कल्चर है, महाराष्ट्र के अंदर अलग कल्चर है, गुजरात के अंदर अलग कल्चर है, पंजाब के अंदर अलग कल्चर है, हरियाणा के अंदर अलग कल्चर है, हर एक जगह पे अलग अलग कल्चर है। तो उस कल्चर के अकॉर्डिंग ही हम अपनी सेल्स करेंगे, उसका उस कल्चर के इन्वायरमेंट के अंदर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर उसके अकॉर्डिंग अपनी सेल्स को करेंगे। इसके बाद सर्च फॉर वेरियस अल्टरनेटिव वेल फॉर्मुलेटिंग सेल्स प्लान डिसीजन इज टू बी एंड टेकन रिगार्डिंग सेल सिलेक्टिंग ऑफ बेस्ट अल्टरनेट, सो ऑल द अवेलेबल अल्टरनेट्स आर आइडेंटिफाई कीपिंग इन द व्यू ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्टिव अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्स एंड देयर फॉर अदर लिमिटेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग जो लिमिटेशन है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की वो अचीव करेंगे, अवेलेबल होंगे हमारे पास फाइनेंशियल, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इवेल्युएशन वेरियस अल्टरनेट एंड सिलेक्टिंग बेस्ट वन। हम उनको सबको इवेल्युएट करके देखेंगे कि क्या चीज़ दी हुई है, क्या चीज़ें हैं, उनको फिर एक बेस्ट जो हमारा अल्टरनेट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर सर्चिंग वेरियस अल्टरनेट्स एंड इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डाटा, जितना भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इवेल्युएट करेंगे। जजमेंट ऑफ सेल्स एंड मैनेजर्स ईच अल्टरनेट आर द सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इट इज एंश्योर्ड दैट द अप टू वेट स्टैंड्स एंड अल्टरनेट्स कैन बी अटेंड द सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मोर ओवर देर मे बी डिफरेंट ऑप्शन, हमारे पास बहुत से डिफरेंट ऑप्शन होते हैं रिगार्डिंग सिलेक्टिंग ऑफ बेस्ट अल्टरनेट, सो दिस स्टेप्स इज वेरी क्रिटिकल इन दिस प्रोसेस ऑफ सेलिंग सेल्स प्लानिंग। तो ये जो स्टेप है बहुत क्रिटिकल है, कि मतलब ये नहीं होता है कि बहुत से हमारे पास, जैसे लड़कियों लड़कियाँ इस चीज़ को ज़्यादा वो करेंगी, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं जब हम कहीं जाते हैं तो उनके अंदर से एक हमें एक ड्रेस चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो उसी तरीके से है, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है उसके अंदर से एक बेस्ट अल्टरनेट चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद फॉर्मुलेटिंग सेल्स फॉरकास्ट एंड सेल्स बजट, द नेक्स्ट स्टेप इन द सेल्स प्लानिंग प्रोसेस इज मेकिंग सेल्स फॉरकास्ट एंड प्रिपेयरिंग सेल्स बजट। सेल्स बजट इज इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबल सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर अचीविंग द एस्टिमेटिंग सेल्स। मतलब फॉर्मुलेट करेंगे हम, फॉरकास्ट करेंगे सेल्स को, अपना बजट देखेंगे कि हमारा कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग उस बजट को हम सेल्स करेंगे, मतलब बजट को हम फिक्स करेंगे कि हमारे कितने एक्सपेंसिव होंगे, कितने हमारे एक्सपेंसिस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो बजट है वो सेट करेंगे। फॉर्मुलेटिंग ऑफ मेन एंड सपोर्टिव प्लान्स आफ्टर फाइनेंशिंग सेल्स फॉरकास्ट एंड बजट, सेल्स प्लान्स इज प्रिपेयर्ड वेरियस सेल्स प्लानिंग एंड मेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर कस्टम्स एक्सेट्रा, देन दीज आर द सेल्स प्लान आर इंटीग्रेटेड टू मेक मेन सेल्स प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मुलेट करेंगे हम मेन सपोर्टिंग प्लान्स। मैंने सोचा कि लास्ट पॉइंट यहाँ दिखाना, तो मैंने सोचा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट नहीं है, इसके अंदर 9 पॉइंट है इसके प्रोसेस के अंदर। इसके बाद है अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद जो हमारा हमने जैसे जो हमने एस्टिमेट किया बजट और भी जो हमने सेट किए हैं हमारे जो भी एस्टिमेट्स हैं उनको सेट किया है, उसके बाद हम अप्रूवल लेंगे टॉप मैनेजमेंट से कि हम इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग सेल्स प्लान दीज आर द सेंट टू द
टॉप मैनेजमेंट फॉर नेसेसरी अप्रूवल। टॉप मैनेजमेंट कैन सजेस्ट सम मॉडिफिकेशन। टॉप मैनेजमेंट जो वो कुछ मॉडिफाई करके भेजती है कि आप ये कीजिए या ये नहीं कर सकते, या आप ऐसा कर सकते हो, आप और भी अच्छा कर सकते हो इससे ज़्यादा। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इट प्लान्स बिकम अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो वो जो प्लान है सेल्स का, जो प्लान है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आ जाएगा अगर वो जो प्लान है वो टॉप मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्स प्लान, हम उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल द सेल्स प्लान्स आर आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग एंड डिफरेंट पर्सन आर डायरेक्टेड टू द इन्फॉर्म वेरियस सिलेक्टिंग एक्टिविटीज़। जो हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए जो लोग सिलेक्ट किए उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको ये काम करना है, उसके इस चीज़ के अकॉर्डिंग करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम रिव्यू लेंगे उसका सेल्स प्लान का, वो सेल्स प्लान जो हमने बनाया था वो अच्छा रहा या नहीं रहा, उसका हम रिव्यू लेंगे। एस्टिमेटेड टाइम टू टाइम सेल्स प्लान आर द इवेलुएट एंड रिव्यूड सो एज द नो टू डाइजेस्ट एंड लिमिटेशंस। मतलब उसकी जो भी उसकी लिमिटेशंस क्या रही हैं, मतलब क्या उस हमारे प्लान के अंदर कुछ कमी आ रही है, अगली बार जब हम प्लान बनाएं तो उसको और अच्छे से कर पाएं, उसके लिए हम उसका रिव्यू लेंगे। इट हेल्प्स टू मेक नेसेसरी इम्प्रूवमेंट। उस इम्प्रूवमेंट करने के लिए फ्यूचर सेल्स प्लान के अंदर वो ज़रूरी रहता है, नेसेसरी रहेगा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।